चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं। सभी सियासी दलों ने चुनाव से पहले वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट को लेकर इन दिनों सियासी गलियारों में खूब चर्चा है। बीजेपी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे की सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अभी तक इस सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस प्रत्याशी के नाम को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। इन सबके बीच सवाल उठ रहा है कि क्या विक्रमादित्य सिंह बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ मंडी से चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल में दरअसल इसको लेकर अटकलें तेज है। विक्रमादित्य ने आज तक से बात करते हुए कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे पूरा करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के बारे में पूछे जाने पर विक्रमादित्य ने कहा कि वह बीजेपी की प्रत्याशी है और वह उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। वह एक बड़े फिल्म स्टार होने के साथ साथ हिमाचल से हैं, इसलिए मैं बहुत मान सम्मान करता हूं। मगर जो चुनावी मुद्दे हैं वे अलग हैं। जो हिमाचल में आपदा के समय में उनकी भूमिका रही वह भी लोगों के सामने है। विक्रमादित्य ने कहा कि हम चुनाव में एक सकारात्मक सोच के साथ जाएंगे। वह मंडी से बीजेपी के उम्मीदवार है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत चुनाव प्रचार में पूरी तरह से जुटी हुई हैं और वह मंडी लोकसभा संसदीय क्षेत्र का लगातार दौरा कर रही हैं। कांग्रेस ने अभी तक इस सीट पर अपना प्रत्याशी का चयन नहीं किया है। अब देखना ये होगा कि कंगना रनौत के मंडी से टिकट देने पर बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलता है।